एजाज खान को बिग बॉस के घर के अंदर कभी साइको कहा गया, कभी ये कहा गया कि उनको जो है मेंटल इश्यूज हैं, तो कभी जो है उन्हें डिप्रेस कहा गया। ऐसे में घर से बाहर निकले निशांत मलखानी ने एक बहुत बड़ी बात का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि एजाज जो है एक बार मेरे पास सो रहे थे, उन्होंने कहा कि उनका मन करता है कि जाए और किसी की छाती पर जो है जाकर जोर जोर से बार बार जो है चाकू घुसे। तो उनका ये कहना है कि वो जो है एजाज एक साइको है और साइको की तरह बिहेव करते हैं। मैं आपको बता दूं कि निशांत मलखानी ने ही एजाज के बारे में साइको शब्द का इस्तेमाल घर के अंदर भी किया था, तब भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बवाल मचा था। पिंक विला को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, एजाज इज़ अ कम्प्लीट साइको, ही नीड्स मेडिकल हेल्प, ही हैज़ टोल्ड मी हिमसेल्फ दैट देयर आर टाइम्स व्हेन ही फील्स लाइक टेकिंग अ नाइफ एंड स्टैबिंग समवन व्हेन दे आर स्लीपिंग, ऑल दिस इज नॉट नॉर्मल, इनिशियली आई फेल्ट ही इज डूइंग इट जस्ट फॉर कैमराज बट नाउ इट्स एविडेंट दैट ही हैज लॉस्ट हिज माइंड। इतना ही नहीं, जान के बारे में भी उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि जान जो है सांप की तरह है, और इतना ही नहीं वो निक्की का पालतू कुत्ता है। अगर आपको कभी रास्ते पर सांप दिखे या जान दिखे तो सबसे पहले जान को मारना, सांप को नहीं, वो उससे भी ज़्यादा जहरीला है। तो इस तरह का बयान जो है निशांत मलखानी ने दिया है, और उन्होंने कहा है कि वो निक्की के जोरू के गुलाम की तरह बिहेव करता है, उसके पालतू कुत्ते की तरह बिहेव करता है, और सांप और जान में से जान जो है ज़्यादा खतरनाक और जहरीला है। तो इस तरह का बयान निशांत मलखानी ने अपने एविक्शन के इंटरव्यू में दिया। जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पर एजाज के उस टास्क की भी बहुत ज़्यादा टीका हो रही है जब उन्होंने जान को कहा कि अपना हाथ टॉयलेट की सीट के अंदर डाले। तो एजाज के बारे में निशांत ने ये सारी बातें कही हैं, और साथ ही ये आप सभी जानते हैं कि जान और निशांत की दोस्ती बहुत अच्छी थी। निशांत जब बाहर निकले तो जान रो भी बहुत रहे थे, लेकिन निशांत को ये लगता है कि दोस्त होने के बावजूद जो जान ने किया वो सही नहीं।